हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्माइली। तो पोटैटो स्माइली हम सेम इसी प्रकार का पोटैटो स्माइली बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पोटैटोज ले लिया है, बॉईल किया हुआ। पोटैटोज हमें पहले बॉईल कर देने हैं और बाद में मैंने उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट वाला, अच्छी तरह से उसको चॉप कर लिया है। अभी हम उसमें 1 टेबल स्पून जितना नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो। मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है मैंने, वो भी आपको जितना स्पाइसी पसंद है उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर यूज कर लिया है। फिर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करने जा रही हूँ। आप देख सकते हो इसी प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है उसको। मिक्स करने के बाद हम उसको उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा स्माइली है वो एकदम क्रिस्पी वाला रेडी हो जाए। आप देख सकते हो ये मैंने कॉर्नफ्लोर का पैकेट ले लिया है, महिंद्रा का। कोई भी पैकेट आप यूज कर सकते हो, कोई भी कंपनी का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करके ही हमें उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। एक साथ में हम कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करेंगे तो थोड़ा सा लम्स रह जाता है। तो इसी प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कॉर्नफ्लोर यूज कर रही हूँ। फिर से थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जब तक हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाता है, उसका एकदम टाइट वाला हो जाता है, उतना कॉर्नफ्लोर हमें उसमें ऐड करना है। तो ये जो डो हम रेडी करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितना कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करते हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे उसकी बाइंडिंग अच्छी हो रही है। ये जो डो है वो हमें एकदम सॉफ्ट वाला नहीं रखना है। फिर से मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है, फिर से मैं उसको अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लूंगी। अभी भी वो थोड़ा चिपक रहा है, आप देख सकते हो। पहले हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। वो अभी वो चिपक रहा है, तो फिर से हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करने वाले हैं। फिर से मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूंगी, ताकि वो जो हमारा डो है वो थोड़ा टाइट हो जाए और अच्छी तरह से रेडी हो जाए। पानी हमें जरा सा भी इसमें ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करेंगे तो जो हमारा डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हमें सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो पोटैटो उसका थोड़ा थोड़ा लम्स रह गया है वो भी हमें अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये जो डो है वो अभी चिपक नहीं रहा है, अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना, और जो हमारा डो है उसको अच्छी तरह से चिकना बना लेंगे। जैसे नॉर्मल डो को हम चिकना बनाते हैं उसी हिसाब से आपको चिकना बना लेना है उसी तरह से। तो हमारा डो है वो एकदम से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी वो चिपक नहीं रहा है।
अभी हमारा डो है उसमें से हम पार्टीशन बना देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट ले लेती हूँ उसका और उसको इसी प्रकार से राउंड कर लूंगी। जैसा हम लुइया बनाते हैं रोटी की, वैसे ही हमें सेम करना है उसमें। और फिर उसको हल्के से प्रेस कर लेना है और जिसमें हम बेलने वाले हैं वहाँ पे हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे इसी प्रकार से, ताकि वो नीचे भी चिपक ना जाए और आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो डो रेडी रख दिया है और फिर हम उसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना वो फट जाता है, तो हमें उसको हल्के हाथ से ही इसी प्रकार से बेलना है। साइड में हम उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद कवर करते रहेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार से हम कवर करेंगे साइड में से, तो जो डो है वो उसके फटने के चांसेस नहीं रहते हैं हमारी रोटी का। तो इसी प्रकार हमें रोटी की तरह ही सर्कल में बेल लेना है, लेकिन एक बात खास ध्यान रखनी है, उसमें ज्यादा प्रेस नहीं करना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको खास ध्यान रखना है। अभी मैं एक ढक्कन ले लूंगी और ढक्कन की मदद से उसको शेप दे देती हूँ। यहाँ पे मैं स्माइली का बेस रेडी कर रही हूँ इसी प्रकार से, आप देख सकते हो। और ये जो स्माइली का जो बेस है वो रेडी हो चुका है। जो साइड वाला डो है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रो भी ले ली है जिसकी मदद से हम आइस बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया है, उसमें से हम दूसरे स्माइली भी रेडी कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। आप देख सकते हो सर्कल वाला जो बेस है उसका स्माइली का वो रेडी हो चुका है। अभी ये स्ट्रो लेके मैं उसकी आइज रेडी कर रही हूँ। इसी तरह से हम उसको प्रेस करेंगे और आइज रेडी करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक स्पून ले रही हूँ, उसकी मदद से हम उसका फेस रेडी करेंगे स्माइल वाला, जो उसका माउथ है वो आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से वो रेडी हो चुका है। कोई भी स्पून का यूज कर सकते हो आप, लेकिन सर्कल वाली है तो वो ज्यादा अच्छी रहती है, इजीली हम उसको बना सकते हैं। इसी प्रकार हमें सारा जो स्माइल है जितना भी वो इसी प्रकार से रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि जो उसका ऊपर का लेयर है वो एकदम क्रिस्पी वाला बनता है कॉर्नफ्लोर से। आप देख सकते हो ये स्माइली मेरा रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से हम सारे स्माइली को बेल कर रेडी कर देंगे। यहाँ पे मैं उसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ, हल्के हाथों से हमें उसको उठाना है और फिर प्लेट में रख देना है। बहुत फटाफट नहीं करना है, वो आराम से करना है वरना वो फटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे सभी स्माइली को मैंने इसी प्रकार से रेडी कर दिया है और मैंने ऑयल भी गरम कर दिया है। तो ऑयल मेरा हीट हो चुका है, उसमें हम सभी स्माइली इसी प्रकार से ऐड करेंगे अलग अलग प्लेसेस पे, ताकि वो चिपक ना जाए और उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने अलग अलग प्लेसेस पे उसको ऐड कर दिया है, वो खास ध्यान रखना है। और हमें उसको इसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, तुरंत ही हमें उसको पलटना नहीं है।
तो इसी प्रकार आप देख सकते हो जो स्माइली है वो फ्राई होके ऊपर आ जाए थोड़े, बाद में ही हम उसको पलटेंगे वरना वो फिर से चिपक जाता है। तो अभी वो अच्छी तरह से बैक साइड में फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हो। तो मैंने उसको पलट लिया है, एक एक करके ही हम उसको पलटेंगे। दोनों साइड से इसी प्रकार से हमें उसको फ्राई करना है, और जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब तक हम उसको मीडियम फ्लेम पे इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम उसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी प्रकार से सारे जो स्माइली हैं हम उसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसी प्रकार सारे स्माइली मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसको एक प्लेट में सर्व कर दिया है। हम दही या फिर सॉस के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी वाला वो रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू सी मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करो और आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करो। और ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू।